हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बेला वीटा न्यू एज आयुर्वेदा एक्सफोलिएट फेस एंड बॉडी स्क्रब ये बेला वीटा ऑर्गेनिक की फेस एंड बॉडी स्क्रब है एंड ये आपके डेड स्किन को अच्छे से रिमूव करने वाली है डिटाइन करने वाली है एंड आपके स्किन को पॉलिश करने वाली है मैंने जो स्क्रब परचेस की है वो सेवेंटी फाइव ग्राम की है एंड इसकी जो एमआरपी है वो टू सेवेंटी फ़ाइव है बट मैंने इसे अमेजॉन से टू ट्वेंटी फ़ाइव में परचेस किया है एंड इसके जो हाइलाइटेड की इंग्रेडिएंट है वो है वॉलनट कॉफ़ी कोकोनट ऑयल रॉक सॉल्ट वॉलनट हमारे स्किन को डीप क्लीन करते हैं एंड वो अच्छे से हमारे रेड स्किन एंड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे स्किन को फ्लॉलेस एंड स्मूथ बनाती है एंड जो रॉक सॉल्ट है वो हमारे स्किन के डिटेन में हेल्प करते हैं कोकोनट ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करते हैं तो अब मैं इस स्क्रब को अपने फेस पे एंड अपने हैंड पे यूज़ करके आपको रिजल्ट शो करती हूँ इस स्क्रब को आपको फेस वॉश के साथ यूज़ करना है मैंने यहाँ गार्नियर की फेस वॉश ली है उसके बाद आपको इस स्क्रब को अपने फेस वॉश में मिक्स कर लेना है एंड उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको उससे अपने फेस में वन टू टू मिनट्स तक मसाज करनी है एंड ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है मैंने यहाँ एक मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लिया है एंड अब मैं इसे वॉश करने जा रही हूँ मैंने इसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है एंड आप रिज़ल्ट देख सकते हैं अब मैं इसे अपने हैंड पे यूज़ करने वाली हूँ एंड हैंड पे यूज़ करने के लिए आपको कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले, ले लेना है एंड उसे अपने हैंड पे लगा लेना है एंड उसके बाद आपको एक अच्छी क्वांटिटी में स्क्रब लेना है एंड उसके बाद आपको इसे अपने हैंड पे वन टू टू मिनट तक स्क्रब करना है अच्छे से मसाज करके अच्छे से एक से दो मिनट तक मसाज करने के बाद आपको इसे वॉश कर लेनी है एंड आप एंड आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है जिस हाथ में मैंने स्क्रब किया है एंड जिसमें मैंने नहीं किया है तो अभी आप लोगों ने देखा मैंने इस स्क्रब को अपने फेस पे एंड अपने हैंड पे यूज़ किया तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि इसे यूज़ करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसके सारे डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ इस स्क्रब के जो बीट्स हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े हैं लेकिन स्किन पे काफ़ी सॉफ़्ट है ये जो स्क्रब है वो स्किन पे काफ़ी जेंटल है आपके फेस एंड बॉडी दोनों पे ये जो स्क्रब है वो काफ़ी अच्छे से आपके स्किन को एक्सफिलट करने वाली है एंड इसे यूज़ करने के बाद एंड इसे वॉश करने के बाद मेरी स्किन काफ़ी सॉफ़्ट लग रही थी एंड सबसे अच्छी बात इस स्क्रब की ये है कि आपको फर्स्ट वॉश से ही एक विजिबल रिजल्ट मिलने वाला है स्क्रब को यूज़ करने के बाद आपकी जो स्किन है वो आपको ड्राई नहीं लगने वाली ये काफ़ी अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है दैट्स इट्स फॉर दिस वीडियो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दे शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना 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 भूलें